हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एनसीईआरटी में स्क्वायर रूट का मीनिंग एंड मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट क्या है। हमने पिछले वीडियोज में आप लोगों को स्क्वायर नंबर के बारे में बताया। तो जो स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर हम लोग करते हैं तो उसका जो रिवर्स होगा वो स्क्वायर रूट होगा। समझने के लिए, जैसे मान लीजिए 3 स्क्वायर होगा तो इसे हम 9 लिखते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 9 मिलता है। इसी को स्क्वायर ऑफ 3 या 3 स्क्वायर इज 9। लेकिन अगर हमें इसका रिवर्स करना हो, मान लीजिए हमारे पास एक 9 नंबर हो और आपसे पूछा जाए कि 9 किन दोनों इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, तो हम कहेंगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा। तो इसे लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों ने एक सिंबल बनाया हुआ है, इस तरह से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो जिस तरह से हम लोगों ने किया कि 4 स्क्वायर इज 16, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, तो हम ये कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा। तो ये इसका बेसिक मीनिंग है कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हम इसके मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इसमें एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड मेथड है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड थर्ड इज डिवीजन मेथड। आपकी बुक में तीनों ही मेथड हैं, इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। तो यहां पे इस वीडियो में हम लोग ये दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन मेथड हम बताएंगे। हालांकि डिवीजन मेथड पे हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को समझने के लिए हम लोगों को फिर स्क्वायर नंबर के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि ओड नंबर्स का जो सम होगा, अगर हम स्टार्टिंग 1 से करें तो हमने ये बताया था कि 1 इज 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 2 स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 3 स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी बताई थी कि किस तरह से ऐड करना है हमें ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और उसका आंसर हमारे पास सम आ जाएगा। इसी मेथड को काम में लेके, मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 9 का, तो 9 में से हमने ओड नंबर 1 से माइनस करते जाना है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 में से पहले हमने 1 माइनस किया 8, अब इसके बाद सेकंड ओड नंबर माइनस करना है एंड थर्ड ओड नंबर माइनस करना है। जब आपके पास 0 होगा, 0 किस केस में आएगा, अगर ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 9 है तो यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। फिर हमें काउंट करना है कि हमने कितने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, 1, 3 एंड 5, तो अंडर रूट 9 इज 3। इसी तरह से मान लीजिए हमें अंडर रूट 25 फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट भी कभी बोल सकते हैं। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू के लिए हमें 25 में से 1 माइनस करना है 24, 24 में से इसका नेक्स्ट ओड नंबर 3 माइनस किया 21, 21 में से हमने 5 माइनस किया 16, 16 में से हमने 7 माइनस किया 9, एंड 9 में से इसका नेक्स्ट नंबर 9 माइनस किया 0। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने 5 टाइम्स 1, 3, 5, 7, 9 सब्ट्रैक्शन किया, तो अंडर रूट 25 की जो वैल्यू है वो 5 होगी। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, जैसे नाम से ही पता है कि हमें इसमें फैक्टर बनाने होंगे प्राइम नंबर्स के। तो किस तरह से होगा, मान लीजिए
हम लोगों ने अंडर रूट 16 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। हम इजीली कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स तो बनाने के लिए, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब यहां पे हमें देखिए 2 के पेयर बनाने हैं, ऐसे पेयर जिसमें इक्वल में दो नंबर्स हों। तो यहां पे जब अंडर रूट 16 लिखा जाएगा तो देखिए इस पेयर में से आप एक नंबर लीजिए और इस पेयर में से भी आप एक नंबर लीजिए, सो अंडर रूट 16 इज 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हमें अंडर रूट 1764 ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना होगा। इसमें आप या आपको देखना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ उन्हीं नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकेंगे जो अपने आप में ही परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स आता तो मैं इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकता था, पूरे पेयर बनने चाहिए, पूरे पेयर उसी के ही बनेंगे जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे इसमें थ्री से डिवाइड करते हैं, देखिए अब फिर 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होगा, 7 से एंड 1। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 ही आएगा, तो 1764 की जब हम वैल्यू करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर भी आप लिख लीजिए 1 2 3। देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया। तो जब आप इसमें अंडर रूट हटाएंगे तो इसमें से 2 वन टाइम, 3 वन टाइम एंड 7 वन टाइम होगा, तो ये 42। तो अंडर रूट 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 42 होगा। तो इससे पहले जो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बताया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया, इन दोनों मेथड में ही अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर गिवन है तभी हम उसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। मान लीजिए हम किसी भी एक नंबर में इस तरह से पेयर बनाते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। मान लीजिए ये पेयर बना, तो इसमें देखिए 2 का पेयर और ये 3 अकेला है, तो इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, ना ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो, चाहे वो अपने आप में वन डिजिट का नंबर हो, डेसिमल में हो, किसी भी तरह का नंबर हो, हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये दो मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।